वेलकम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग सीएनसी मशीनिंग के बारे में शॉर्ट इंट्रो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कंटेंट वाले टेबल के क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, फिर इंट्रोडक्शन, फिर वो दिखता कैसा है, फिर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक डायग्राम, सीएनसी काम कैसे करता है, और कुछ इसके एडवांटेज, चैलेंजेस, कंक्लूजन्स लाइक दैट। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट हमारा है हिस्ट्री, सीएनसी मशीन का हिस्ट्री। तो जो पहले होता था एनसी मशीन, यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो जो फर्स्ट मशीन था वो 1940s में बिल्ट हुआ था और 1950 में बाय प्रोफेसर जॉन टी पार्सन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो सीएनसी मशीन जो आया आपका, वो आया आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अराउंड 1980 के समय सीएनसी मशीन का एग्जिस्टेंस हुआ था। फिर से अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, सीएनसी मशीन में नया नया फीचर्स ऐड हो रहा है अभी, यानी मॉडर्न सीएनसी मशीन्स आर इम्प्रूविंग फर्दर एज द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग विथ अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। अभी हम लोग ढेर सारे एप्लीकेशन कर सकते हैं पर्टिकुलर सीएनसी मशीन पे ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रो पार्ट ऑफ द सीएनसी। देखिए अभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कंप्यूटर काम कर रहा है और एक जगह मैनुअली काम कर रहा है, तो इन इंडस्ट्री इट इज नॉट इफिशियंट और प्रॉफिटेबल टू मेक एवरीडे प्रोडक्ट्स बाय हैंड। यदि मैनुअली यदि हम कोई काम करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा लेबर कॉस्ट ज्यादा लगेगा, फिर जो हमारा आउटपुट क्वांटिटी होगा वो एज कंपेयर टू मशीन वो कम होगा। उसी कमी को देखते हुए, उसी को आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ मशीन का डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएनसी मशीन। तो ऑन सीएनसी मशीन इट इज पॉसिबल टू मेक 100 और थाउजेंड्स ऑफ द सेम आइटम इन ए डे। बट हमारा मैनुअली में क्या होता था, मैनुअली में लेबर वेबर जब काम करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो ज्यादा इफिशियंट नहीं होते हैं, वो थक जाएंगे। बट मशीन है क्या हमारा, वो तो थकेगा नहीं, वो तो जैसे उसमें पावर सप्लाई दीजिएगा वो काम करने लगेगा। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट डिजाइन इज ड्रॉन यूजिंग ए डिजाइन सॉफ्टवेयर। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि उसका डिजाइनिंग करना होता है, ड्रॉइंग करना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, जिसमें आप लोग मैनुअली ड्रॉइंग करते थे। बट इन द इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्री में क्या होता है कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, प्रोई है, सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है, बहुत सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर है। सिविल डिजाइन अलग है, इलेक्ट्रिकल का डिजाइन अलग है। तो जैसे कोई भी हमको कंपोनेंट यदि चाहिए होता है तो हम डिजाइन सॉफ्टवेयर पे उसको डिजाइन करते हैं, फिर उस प्रोग्राम को हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं और सीएनसी मशीन से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। कंप्यूटर में हम लोग कोड डालते हैं कि जो भी हमारा पर्टिकुलर डिजाइन है वो डिजाइन को कैसे हम लोग अचीव करेंगे फाइनल प्रोडक्ट में। अब दिस इज ए स्मॉल सीएनसी मशीन एंड कैन बी यूज्ड टू मशीन वुड्स, प्लास्टिक, एल्युमिनियम्स। इन इंडस्ट्री सीएनसी मशीन्स आर एक्सट्रीमली लार्ज। जो सीएनसी मशीन इंडस्ट्रियल में होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीएनसी का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो सीएनसी है ये तीन वर्ड से बना हुआ है, सॉरी तीन अल्फाबेट से, दैट इज सी एन एंड सी। तो सी का मतलब होता है कंप्यूटर, एन का मतलब न्यूमेरिकल और सी का मतलब कंट्रोल। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। सीएनसी मशीन मीन्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। This means a computer converts the design into numbers which the computer uses to control the cutting and shaping of the material. यानी computer आपको control करेगा क्या चीज, cutting and shaping of the material। जो भी आपका raw material से finished good जो करना होगा, जो भी
मशीनिंग प्रोसेस करना होगा, वो सारा आपका कंप्यूटर से कंट्रोल होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये सीएनसी मशीन है और ये कोई वर्कर है जो सीएनसी ऑपरेटर है, ये सीएनसी मशीन को ऑपरेट कर रहा है। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम इन विच द डाटा हैंडलिंग कंट्रोल सीक्वेंस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इज डिटरमाइंड बाय एन ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम एट द मशीन टूल। नेक्स्ट हमारा सीएनसी मशीन, वो दिखता कैसे है? जनरली इस टाइप से आपका दिखेगा, ये एक पर्टिकुलर मशीन है, ये एक पर्टिकुलर मशीन है। अब देख सकते हैं ये आपका सर्वो मोटर लगा हुआ है, ये स्लाइड है, ये आपका डिस्प्ले कंसोल है, ये आपका कंट्रोलर है, फिर इधर देखिएगा आपका चिप रिमूवल और कलेक्शन है, ऑटोमेटेड टूल चेंजर है, कूलेंट कंट्रोल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलिमेंट ऑफ सीएनसी मशीन, यानी क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या मेजर एलिमेंट है। तो फर्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस, नेक्स्ट है आपका MCU यानी मशीन कंट्रोल यूनिट, थर्ड है मशीन टूल, फोर्थ वन है ड्राइविंग सिस्टम, फिफ्थ वन है फीडबैक डिवाइसेस एंड सिक्स्थ वन इज डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अब सीएनसी आपका वर्क कैसे करता, हाउ सीएनसी वर्क्स। तो कंट्रोल्ड बाय G&M कोड्स, कंप्यूटर में आपको कुछ कोड्स डालने होते हैं, जैसे आप लोगों ने PPS में पढ़ा होगा, जैसे हैश इंक्लूड कोनियो, कोई भी एडिशन ऑफ प्रोग्राम, सब्सट्रैक्शन ऑफ प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी लिखने के लिए कुछ आप लोग प्रोग्रामिंग करते थे। तो इसी तरह क्या होता है, सीएनसी मशीन में कंप्यूटर पे कुछ प्रोग्राम करते हैं जो उसको हम लोग बोलते हैं कोड, कुछ जी कोड एम कोड होता है। जी जैसे कुछ G01 हुआ, G02, M01, M02 पर्टिकुलर करके प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो सभी कोड का वैल्यू जो होता है और मीनिंग अलग अलग होता है, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कोड डालना होता है। दीज आर नंबर वैल्यूज एंड कोऑर्डिनेट्स, जैसा मैंने पहले ही बोल दिया है 1 2 3 4 लाइक डेट होगा आपका G01 G02। इच नंबर और कोड इज असाइन टू ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, सारा जो नंबर या कोड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करेगा। टाइप्ड इन मैनुअली टू CAD बाई मशीन ऑपरेटर्स, ये जो मशीन ऑपरेटर होते हैं CAD के द्वारा इसको आप टाइप करते हैं। G&M कोड्स आर ऑटोमेटिकली जेनरेटेड बाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जो कोड्स है ये ऑटोमेटिकली जेनरेट होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉमन फॉर्मेट ऑफ द ब्लॉक, कोई भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका कॉमन फॉर्मेट क्या है। तो फर्स्ट है N रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस नंबर, ठीक है, आपका G होता है प्रिपरेटरी फंक्शन, G90, G01 कोई भी फंक्शन आपको करवाना है तो वो हो गया जी कोड। ये है डायमेंशंस, जैसे आपको क्या डायमेंशन लेना है, किस कोऑर्डिनेट में, एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या, जेड का क्या, यानी एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट का। फीड रेट को इंडिकेट करते हैं एफ से, स्पिंडल फंक्शन को इंडिकेट करते हैं एस से, टूल फंक्शन को इंडिकेट करते हैं टी से, और मिसलेनियस फंक्शन को इंडिकेट करते हैं हम लोग एम से। तो ये कुछ कॉमन फॉर्मेट है इंडिविजुअल इंडिविजुअल वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग की लेटर्स, यानी ओ जो है प्रोग्राम नंबर, यूज्ड फॉर प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन। एन है आपका सीक्वेंस नंबर, यूज्ड फॉर लाइन आइडेंटिफिकेशन। जी हो गया आपका प्रिपरेटरी फंक्शन, एक्स वाई जेड है आपका एक्स वाई जेड एक्सिस डिजिग्नेशन, आर मीन्स रेडियस, एफ फॉर फीड रेट, एस फॉर स्पिंडल स्पीड, H for tool length offset designation, D for tool radius offset designation, T for tool designation and M for miscellaneous function। अब नीचे हम लोग देखेंगे कुछ important G codes, जैसे कुछ कुछ code का meaning क्या होता है, value क्या होता है। जैसे हम लोग G01 डालेंगे तो ये देखिए स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा G00, that means rapid transverse, G01 लीनियर इंटरपोलेशन, G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन, G03
सर्कुलर इंटरपोलेशन CCW, ये कुछ आप लोग देख सकते हैं, जैसे G81 ड्रिलिंग साइकिल के लिए, G90 एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब कोड्स याद कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जी और एम कोड है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, जैसे रेलवे में, SSC में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप एक या दो नंबर का क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नीचे स्लाइड में देखेंगे एम कोड, कुछ इंपॉर्टेंट एम कोड क्या है आपका, जैसे M00 का मतलब क्या हुआ, यानी प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा, M01 का ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप, N02 का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कूलेंट ऑन ऑफ के लिए 0809, क्लैंप ऑन ऑफ के लिए M10, M11, M30 का मींस होता है प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, आपको स्टार्ट करने के लिए फिर से इसको रीसेट करना पड़ेगा। तो आप देख चुके हैं, जैसे आपको जी कोड, एम कोड, एफ कोड, ये सब ये कोर्स होता है CNC ऑपरेशन का कोर्स, टूल रूम, डिजाइनिंग सेंटर या बहुत सारे जो CNC मशीन बनवाती है वो कंपनियां आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो वहां से आप CNC ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हैं, तब आप लोग ये कोड अच्छे से लिखना जान जाओगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एडवांटेज क्या है इसका, इजियर टू प्रोग्राम। जैसे एक बार आप प्रोग्रामिंग कर दोगे, जैसे आपको कोई टेपर टर्निंग का वर्कपीस बनाना है, तो एक बार आपने टेपर टर्निंग का प्रोग्राम कर दिया, आपका जो भी वर्कपीस आएगा वो टेपर टर्निंग होते जाएगा। इजी स्टोरेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, आपको सेम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को आप सेव कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। सपोज डेट यदि मैनुअली यदि हम लोग लेते हैं, तो मान लीजिए कोई ऑपरेटर है वो ड्रिलिंग करता है, ठीक है, यदि उसका एक ही आपने वर्कर रखा हुआ, वो कल यदि नहीं आता है तो आपका ड्रिलिंग का काम रुक जाएगा। बट यदि आपके पास CNC ड्रिलिंग मशीन है, आप लोग उसमें प्रोग्राम यदि फेड कर देते हैं, यदि आपका ऑपरेटर नहीं भी आया, तो मशीन को आप ऑन करके क्या कर सकते हैं, आपका ड्रिलिंग का काम रुकेगा नहीं। इजी टू चेंज अ प्रोग्राम, अवॉइड ह्यूमन एरर, CNC मशीन्स आर सेफ टू ऑपरेट, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री इज प्रोड्यूस्ड एज चीपली एज सिंपल वंस, यूजुअली जेनरेट्स क्लोजर टॉलरेंस देन मैनुअल मशीन। तो ये कुछ एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस या डिमेरिट्स क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली सेटअप या स्किल्ड ऑपरेटर। जैसे जाहिर सी बात है मशीन है तो बहुत महंगा होता है और इसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए आपका, फिर कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, फिर मेंटेनेंस जो है ये डिफिकल्ट भी है और कॉस्टली भी है। तो ये कुछ रेफरेंस है जहां से मैंने ये स्लाइड से .NET से ये लिया हुआ है इन सबको। थैंक यू, हैव ए गुड डे।